नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। भारत निर्वाचन आयोग सुनियोजित शिक्षा एवं मतदाता सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन आज राहुल प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री एल वेंकटेश्वर लू महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी एवं राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि ने अध्यापिकाओं पीएलओ आशा एएनएम सखी आदि को संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत एवं स्वस्थ लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मतदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का भी सारा दान ही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार पाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि आपकी वोट से आपकी इच्छा अनुसार सरकार बनती है। श्री लू ने कहा कि यदि अपने स्वास्थ्य को ढंग सही ढंग से रखने के लिए कोविड का वैक्सीनेशन 100% तक करवा सकते हैं तो मजबूत स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए 100% मतदान क्यों नहीं कर सकते हैं। आयोजन किया है मतदाता के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। हाँ। तो किस तरह से क्या आप प्रदर्शन कर रहे हैं? तो भाई डीएम साहब, कमिश्नर, हम सब लोग, सीडीओ साहब, हम लोगों का और यहाँ पे सभी में शिक्षक बंधु भी है, विभिन्न जिलास्तरीय अधिकारी लोग भी है और सभी लोगों ने तो वादा किया है कि अपनी पूरी टीम को लगा के ये केवल सिम्बॉलिक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, हर एक बूथ का भी जिम्मेदारी लेंगे। भाई ये बूथ है हमारे पास, 4000 बूथ है, ये बूथ में पिछली बार इतना कम वोट पड़ा है, वहाँ पर जो लोग वोट नहीं डाल रहा है किस कारण से नहीं डाल रहा, वो कारणों का पूरी गहराई से विवेचना करेंगे, उन कारणों को दूर करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति, उनको पर्ची नहीं पहुँची है, बूथ का जानकारी नहीं है और उनको किस कारण से कोई रोक रहा है, उसको कोई बाधा उत्पन्न, कोई भी कारण हो, उस कारण को हटा के वो कारण दूर करके उनको प्रेरणा देकर वोट डलवाएंगे। तो इस बार कोई भी व्यक्ति जो ना छूटे, कोई भी वोटर मतदाता ना छूटे, ये केवल नारे और सिंबॉलिक ना हो के ये गहराई पे ये रिजल्ट दिखाई जाएगा। डीएम साहब ने भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और कमिश्नर साहब भी, इसको बहुत सारे लोगों ने वादा किया क्योंकि भाई ये डेमोक्रेसी सबका है, सभी लोग उसमें पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे ताकि आजमगढ़ में मान लो एक बहुत बड़ा सब, पिछली बार अभी तक 55% आ रहा है, लेट अस इमेजिन हम लोग 75वां वर्ष मना रहे, 75% पहुँच गया, ये बहुत सारे लोगों का, आसपास के जिलों का खान खड़े हो जाएगा, भाई आजमगढ़ में ये कैसे इतना परसेंटेज बढ़ गया। तो बाकी जिलों में भी आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा उत्सुकता का भी, बहुत बड़ी ये शोध का भी बिंदु बनेगा और सबके लिए गर्व की बात होगी कि प्रजातंत्र में कैसे इतनी वाइब्रेंस आ गया, इतना डायनेमिज्म आ गया, वाइटैलिटी आ गया। तो ये सबका जिम्मेदारी है कि भाई हम लोग व्यक्तिगत फायदे के लिए तो कार्य करते हैं, एक प्रजातंत्र की, पूरी समाज की चेतना जगाने का भी सामूहिक रूप से आदमी के अंदर भावना होना चाहिए। आज जो इस जो माहौल बना है, विभिन्न जो पिछले बारों में जो काम किया, भले ही इतना सिस्टमेटिकली नहीं काम किया, तभी उन तमाम लोगों ने अपनी बातें शेयर किया है और सबके अंदर जज्बा है। मुझे पूरी आशा है कि 7 तारीख को कुछ गजब होगा आजमगढ़ में। पिछली और भी चुनाव के दौरान आप आए हुए थे।